तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि मुझे कौन सा फार्म बनाना चाहिए, अनलिमिटेड लावा फार्म या कॉन्क्रीट फार्म या फिर कबलस्टोन फार्म। तो सबने कहा था कि तीनों एक ही वीडियो में बना दो, ठीक है तो आपने कहा तो मैं बना दे रहा हूँ। तो तेरे को हरा भी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीनों तीन फार्म एक ही वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो लावा फार्म बनाने का जितना भी सामान है मैंने यहाँ पे रखा है। मैंने पहले सोचा था कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा, फिर मैंने सोचा नहीं अगर मैंने यहाँ पे बनाया तो फिर सारे के सारे मेरे विलेजर ये कुल्ड्रोन से कनेक्ट होकर वो बेकार के बन जाएंगे, वो विलेजर जो किसी काम के नहीं, लेदर के कपड़े देते। तो अरे कहना क्या चाहते हो। तो मैं है ना चेंज करने वाला हूँ। तो आप इतना लावा बकेट देख रहे होगे तो इसका कुछ काम है, और इसको भी ले लेता हूँ, फिर इसको भी ले लेता हूँ, और फिलहाल इसको ले लूँ क्या? ओके इसको भी ले लेता हूँ। तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं ना। ओके दो मेरे को चेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी ले लेता हूँ। तो है ना मैं लावा फार्म को, सॉरी अनलिमिटेड लावा फार्म। ओके लावा फार्म तो कह नहीं सकते, अनलिमिटेड कहना चाहिए क्योंकि अनलिमिटेड मिलने वाला है हमको अब से, लावा लेने बार बार नीचे जाना नहीं पड़ेगा। तो मैं ना उसको यहाँ पे बनाने वाला हूँ, यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये मेरे रेंज में रहेगा ना तो काम करेगा, अगर थोड़ा दूर हो जाता है तो भाई शायद से काम करना बंद कर दे। और यहाँ पे लगाते 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इतना होने के बाद मुझे ना 3 ब्लॉक ऊपर जाना है। तो यहाँ से चलते, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा देख लेता हूँ यहाँ पे लगेंगे तो एक और जाना पड़ेगा। ओके और मुझे ना यहाँ पे चाहिए स्मूथ स्टोन, तो मुझे स्मूथ स्टोन पे भी हम वो ड्रिप लगा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली जिस ब्लॉक पे उगते वही लगाना पड़ेगा, आप लगा सकते हो किसी पे भी। तो ये हो चुके हमारे टोटल जितने भी है। ओके अरे यार कोई कोई विलेजर इससे कनेक्ट हो रहे, वही तो मैं नहीं चाहता ना। तो चलो कोई बात नहीं, इसको पहले यहाँ पर लगाते और हमको है ना इसको हर एक डायरेक्शन से कुछ इस तरीके से ओके ये डबल हो गया, कुछ इस तरीके से कवर करना है। तो फटाफट से मैं कर देता हूँ। Few inches later. तो गाइस फाइनली ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, कंप्लीट हो चुका है। मुझे नीचे आना है यहाँ पे, और मैं जो ये लाया था ड्रिपस्टोन 8 लाए थे और भी है मेरे पास, मैंने रखे उसको, तो मुझे इनको यहाँ पे लगाना है कुछ इस तरीके से। तो टोटल 8 लगे क्योंकि है ना 8 होंगे तो थोड़ा अच्छे से काम करेंगे जल्दी जल्दी, और फिलहाल इनकी तो कोई ज़रूरत नहीं तो मैं इनको तोड़ सकता हूँ। और है ना मैं चेस्ट को लगाने वाला हूँ यहाँ पे, जिससे कि है ना सारा का सारा मैं इसको लेकर रखूँगा। तो पूरा ऑटोमेटिक तो भाई नहीं बन सकता, लावा को तो आपको खुद को कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि लावा भी ऑटोमेटिक कलेक्ट हो तो ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आपको खुद ही बकेट से कलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें कलेक्ट हो जाएगा, बस आपको कलेक्ट करना है। तो एक काम करते हैं अभी अपना बाकी का काम करते हैं, फटाफट से मैं इसको ले लेता हूँ, और ये भी आ जा भाई, और ये भी आ जा। अब मुझे इसके ऊपर एक बार लावा डालना है, देख सकते हो इसमें से पानी निकल रहा है। अगर आप लावा नहीं डालोगे तो इसमें पानी भरेगा, तो जो कि अच्छी बात नहीं है, अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन जाएगा एक तरीके का। तो आपको सबसे पहले है ना एक ही बार आपको इस तरीके से इसमें लावा भरना पड़ेगा। तो सब में भर देता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, जितना भी बड़ा बना रहे हो सिर्फ एक ही बार आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद से तो ये अनलिमिटेड लावा प्रोड्यूस करेगा, आपको कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर जाएगा और एक, ओके अनलिमिटेड बन गया ना, नहीं यहाँ पर नहीं बना है, तो आ जा भाई, शायद से वहाँ पे भी नहीं बना है शायद। ओके कोई बात नहीं, बट वहाँ पे मैं एक बचा है ना मेरे पास एक पड़ा होगा, उसको मैं बाद में लगा दूंगा, वैसी कोई टेंशन नहीं है कि अभी लगाना पड़ेगा। तो इसको हटाओ और बाकी सब सामान को आगे लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे लावा गिरने लगा बूंद बूंद, इसमें से भी सब में से गिर रहा है ना, लास्ट वाले में से गिर रहा है। ओके लास्ट वाले में से भी गिर रहा है, मतलब इसमें ना थोड़ी देर में अनलिमिटेड है ना लावा कलेक्ट हो जाएगा। मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे के सारे खाली बकेट रख देता हूँ आपको दिखाने के लिए, कि बाद में मैं इसी से भर के आपको दिखाऊंगा कि अनलिमिटेड मतलब हो चुका है, ऊपर का ख़त्म भी नहीं होगा और नीचे का भी ख़त्म नहीं होगा। ओके यहाँ पे है ना ये एक ज़्यादा आ चुका है, तो थोड़ा सा अच्छे लुक के लिए ना मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ जिससे कि लुक आए। तो एक लो और यहाँ पे लगा देते, ठीक ठाक है। अब चलो आप यहाँ पे ना स्मूथ स्टोन यूज़ कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, अभी मुझे पता तो नहीं, लेकिन आप स्मूथ स्टोन और जो ड्रिप स्टोन आते हैं वो यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा अनलिमिटेड लावा का सोर्स बन चुका है, अभी इसमें कलेक्ट हो रहा है क्या? होगा होगा, थोड़ी देर में हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अभी ना हम अपना कॉन्क्रीट फार्म बनाते हैं। तो कॉन्क्रीट फार्म मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये घर को बनाने के लिए कॉन्क्रीट की ज़रूरत पड़ती है, आपको पता ही होगा। तो फिर वैसे बार बार उसको गीला करना वो बहुत बोरिंग है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो पहले मैं सामान लेके आता हूँ, रखा ही है मैंने वहाँ पे। A few moments later. तो कॉन्क्रीट फार्म बनाने के लिए मुझे सबसे पहले 1 2 और इधर टू लगाना है, फिर एक ब्लॉक यहाँ पे लगाना है, एक यहाँ पे लगाना है और एक यहाँ पे लगाना है, फिर नीचे यहाँ पे एक ब्लॉक को खोद देना है। अरे चल खुद जा फटाफट। और यहाँ पे मुझे एक बकेट ऑफ वाटर डालना है। तो ये हो चुका है, अभी है ना मुझे यहाँ पे एक इस तरीके से लगाना है, और इसके यहाँ पे मुझे एक मीटर इस तरीके से मुझे एक पिस्टन लगाना है, बहुत बढ़िया। अब मुझे है ना यहाँ पे एक रेडस्टोन टॉर्च लगाना है, यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है, और इसके ऊपर एक रेडस्टोन डस्ट लगाना है, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे,
और यहाँ पे भी मुझे दो लगाने पड़ेंगे इस तरीके से, लग जा और ये लग जा और एक यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया। और मुझे यहाँ से इसको पावर दे देना है, तो ये हो गया। अब ये पता है कैसे वर्क करेगा, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मेरे पास कोई कॉन्क्रीट होना चाहिए यहाँ पे। ओके, मैं लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया। अभी ना देख सकते हो, मैं जैसे इसके ऊपर कॉन्क्रीट पाउडर रखूँगा तो इस तरीके से ना इसको पुश करेगा। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर आना है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लगाना है ब्लॉक। एक रेडस्टोन डस्क यहाँ पे, एक ब्लॉक यहाँ पे, और कहाँ गया भाई बाकी का रेडस्टोन मेरा किधर है? ओके ये रहा, और यहाँ पे रेडस्टोन। ओके नाइट हो रही है ना, तो मुझे सो के आना पड़ेगा इस तरीके से, और पीछे एक एक ब्लॉक आएगा क्योंकि इस पर वायरिंग होने वाली है यार। यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा तो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पीछे वायरिंग करनी पड़ेगी, और मुझे एक रिपीटर लाना पड़ेगा। पता नहीं इतने दूर तक पावर जाता है, यानी चेक कर लेंगे, यहाँ तक तो भेजना है मेरे को बस। तो चलिए पहले मैं सो के आता हूँ। Few inches later. तो गाइस मैंने यहाँ के रेडस्टोन डस्क तोड़ दिया क्योंकि मैंने गलती की थी। मुझे ना यहाँ से इसको ऊपर के ऊपर लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन आएंगे ना तो नीचे से तो पावर आई डोंट थिंक ही मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे ऊपर लेके आना है। तो यहाँ पे लगा देते हैं, पूरे 10 पिस्टन अलग से लगेंगे, टोटल तो 11 लगते हैं। एक में वहाँ पे लगेगा और एक बाकी 10 यहाँ पे लगेंगे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से 10 के 10 लगेंगे, तो ओके 9 हो गए ना, 10 में ओके 10 में यहाँ पे आएगा। तो ओके ये हो चुका है। पीछे मुझे रेडस्टोन की वायरिंग करनी है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये फार्म किस तरीके से वर्क करता है, और होप करें कि है ना इसका पावर चला जाए वहाँ तक। अगर नहीं जाएगा तो फिर गड़बड़ पड़ेगा। देख सकते हो ये कनेक्ट हो रहा है इससे। ओके ये एक ज़्यादा आ गया, इसको तोड़ो। अरे टूट भाई, बार बार क्यों लग रहा है? फिर मुझे लगाना है यहाँ पे एक, कहाँ पे लगाना है? यहाँ पे एक मिनट, ब्लॉक कहाँ पे लगेगा? एक मिनट, ये रेडस्टोन के पीछे लगेगा यहाँ पे, और यहाँ से हम खड़े होकर ये करने वाले, जैसे कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा। और देख सकते हो ये है ना अपना काम होते रहेगा, चाहे तो मैं है ना यहाँ पे भी खड़ा हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इस तरीके से। और वहाँ तक जाने के बाद वो पुश करेगा, तो मैं वहाँ तक पहले पहुँचाता हूँ इसको। ओके अभी तक नहीं पहुँचा, ये है ना 13 ब्लॉक धक्का देते हैं, उससे है ना दूर नहीं देते। ओके देख सकते हो ये यहाँ तक पावर आ रहा है बहुत सही, तो भाई कितना ज़ोरदार है। इससे ना आपको एक बार में 13 मिलेंगे, और अगर आप पूरा करते हो तो कम से कम 2.5 स्टैक आपको आराम से मिल जाएगा। 2.5 स्टैक से तो कम नहीं मिलने वाला है, तो बहुत बढ़िया फार्म ही है। ओके देख सकते हो, और यहाँ तक तो देख सकते हो इतनी जल्दी मेरे 24 कॉन्क्रीट बनकर, और आपको है ना बहुत ही आराम से इसको तोड़ सकते हो धड़ाधड़, तो कोई टेंशन नहीं। अब बारी है हमारा ना स्टोन फार्म बनाने की, हो ना उससे पहले बहुत लोग मेरे से कह रहे हैं कि आयरन फार्म बनाओ, तो आयरन फार्म 2 या 3 दिन में आपको मिल जाएगा चैनल पे, इसलिए कोई टेंशन नहीं, कुछ ही दिन आपको वेट करना है। मैं ना थोड़ा बहुत तैयारी कर रहा था कि किस टाइप का फार्म बनाना है, इसलिए ना थोड़ा टाइम लग गया, बट आपको कुछ दिन और वेट करना है, 2 से 3 दिन आपको आयरन फार्म मिल जाएगा। तो चलिए, और है ना मुझे कमेंट में बता देना कि नेक्स्ट एपिसोड में ये वीडियो में है ना मैं एक सुपर कैल्प XP फार्म बनाऊँ या फिर अपना घर कंप्लीट करूँ। तो घर तो मैं कभी भी कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे XP की ज़रूरत है, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं सुपर कैल्प XP फार्म बनाऊँ। मैंने वेंडिंग ट्रेडर से ट्रेड भी किया था कैल्प जो, और मैंने उसको उगा भी दिया था, मेरे पास थोड़ा सा मतलब पड़ा है, मेरे पास 7-8 हो गए और उग भी रहा है थोड़े बहुत। तो आप बता देना कमेंट में, और ये मत कहना कि दोनों काम एक ही वीडियो में करो, ये घर बहुत टाइम लेगा बनने में, तो भाई दोनों चीज़ एक ही वीडियो में नहीं बन सकता। तो चलिए अभी ना स्टोन फार्म बनाते, स्टोन फार्म में शायद यहाँ पे बना हुआ, थोड़ा जगह क्लियर कर लेता हूँ मैं। 6.5 hours later. तो गाइस दोनों फार्म तो मैंने कंप्लीट कर दिया, और इसी बात पर लाइक कर देना क्योंकि आपने तीनों कहा था, मैं 2 कंप्लीट कर चुका, अब तीसरा बनाने जा रहा हूँ। तो उससे पहले ना मैं ये लेके आया हूँ, क्या नाम है, ये कोई नए आया ना डीप सॉल्टेड, मुझे ये वाले स्टोन बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैं ये स्टोन से बनाने वाला हूँ। अभी देखते हैं कि मेरे पास सब कुछ है ना सामान। ओके सब सामान है, और इसमें लावा गिरा। ओके कोई कोई विलेजर इससे कनेक्ट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर ये आ रहा है। ओके हाँ देख सकते हो, एक मिनट में पहले है ना इधर लेता हूँ, और आजा भाई ले सकता हूँ ना शायद से। ओके ले सकता हूँ, एक बकेट लावा आ चुका है। एक काम करता हूँ मैं, अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं ऊपर चल कर देखता हूँ कि इस पर लावा ख़त्म होता है यानी। ओके देख सकते हो आपके सामने एक और आ गया, तो अभी मैं देखता हूँ, तो देख सकते हो लावा एकदम वैसे का वैसा ही, एक थोड़ा सा भी ख़त्म नहीं हुआ। और देख सकते हो उस पर कोई विलेजर कनेक्ट हो रहे और फिर अलग से काम छोड़ रहे, बट कौन सा विलेजर जो ऐसा कर रहा है भाई, काम मत छोड़ यार। और ये वैसे भी लेदर वाला बेकार है। अभी मुझे बनाना है एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और कबलस्टोन फार्म, मतलब काफ़ी ज़्यादा एपिक। तो अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अभी मुझे है ना इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, हॉपर को भी ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टॉर्चिस टूटिस लगा दिए कि भाई काम आए, तो एक मिनट मैं देखूँ कहाँ पे, तो एक यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे आना है, और यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 होने के बाद यहाँ पे लगेगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद इस तरीके से करना है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगा जो कि है ना जिसके बिना थोड़ा सा फार्म गड़बड़ा जा सकता है,
ओके एक मिनट क्या गड़बड़ हो गया, मैं यहाँ से माइंड कैसे करूँगा। ओके मेरे को इसको हटाना पड़ेगा और इसको तोड़ना पड़ेगा एक को, और मुझे ना इसके नीचे लगाना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से ये एक, और दूसरा का क्या करूँगा एक मिनट इसको मैं बाद में देखूँगा। सबसे पहले ना मैं क्राउच होके यहाँ पे लगाता हूँ। अब मैं ना इसके अंदर ज़रा एक ब्लॉक डाल के देखता हूँ कि ये चेस्ट तक पहुँचता है ना सही सलामत, नहीं पहुँचेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके पहुँचता है सही है। अब है ना मुझे ओके नाइट भी हो रही है तो मुझे स्टेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मेरे पास है। 5 स्टेयर 5 हॉपर पे लगने वाला है, तो सबसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, और इसके ऊपर हमको इस तरीके से ब्लॉक लगा देना है। आजा भाई ओके लग चुका है। अब है ना मुझे इसको 2 लेयर तक ऊपर कवर कर देना है, मतलब उठा देना है इस तरीके से 1 2, और यहाँ पे भी 1 2, और इसको रखने पे काफ़ी अलग तरीके का आवाज़ आता है साउंड, मतलब मज़ा आता है सुनने में। तो चलिए इसको मैं फटाफट कंप्लीट करता हूँ इस तरीके से। अब है ना मैं पहले सो के आ जाता हूँ भाई, नाइट हो चुकी है भाई, मॉब भी स्पॉन हो रहे हैं, मेरे विलेजर को भी खतरा हो सकता है। Few inches later. तो चलो गाइस मैं सो के आ चुका हूँ। मुझे ना यहाँ पे एक एक ब्लॉक आगे की तरफ एक्सपेंड करना है एक्चुअली। फिर मुझे यहाँ पे भी इस तरीके से लगा के यहाँ पे लगा देना, और यहाँ पे मुझे बटन लगाना पड़ेगा क्योंकि पानी बाहर आ सकता है ना, तो बटन की तरह बटन आप कोई भी लगा सकते हैं, लकड़ी वकड़ी का जो भी आपका मन करे। और ये साइड आपको आना है, और ये साइड आने के बाद आपको कुछ ऐसा ब्लॉक लगाना है जो पिकैक्स से जल्दी ना टूटे। तो इसको लगा के यहाँ पे मैं इस तरीके से लॉग लगा देता हूँ, इससे ये पिकैक्स से जल्दी नहीं टूटता तो काफ़ी सही है। यहाँ पे आप ऑब्सिडियन भी लगा सकते हो, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी बारी है यहाँ पे हमको इस तरीके से पानी डालने की, तो बाहर नहीं आएगा ना। ओके बाहर नहीं आएगा, तो एक मिनट मैं यहाँ से एक स्टेयर टाइप बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके ये गलत लग गया, इसको तोड़ो। और मुझे है ना इसको तोड़ने में भी थोड़ा पिकैक्स धीरे है, तो है ना मुझे ये जितने भी ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे मुझे वाटर लगाना है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये तो अच्छा है कि वाटर मेरे यहीं पे पास में है, तो इस तरीके से क्या होगा जो लावा होगा ना गलती से भी वो वाटर को है ना स्टोन नहीं बना पाएगा जो है ना स्टेयर्स में। तो कभी कभी आप देखते होगे कि वो जो पानी आपका सोर्स ब्लॉक होता है ना वो भी स्टोन में बदल जाता है, तो वो नहीं होगा इसमें। अभी है ना उसको तीनों को भर देता हूँ मैं सबसे पहले। तो गाइस ये मैंने है ना सारा का सारा वाटर इसमें डाल दिया है ना, यहाँ सेंटर में है ना मुझे इस तरीके से लावा डालना है। ये लावा सारे वाटर को स्टोन में कन्वर्ट कर देगा, आप यहाँ से देख सकते हो। थोड़ा सा वेट करते, थोड़ा स्लो है। ओके चलो हो चुका है। अब है ना मुझे इस तरीके से इसको माइन करना है, तो इसको पहले मैं माइन करता हूँ देख सकते हो। और है ना कभी कभार है ना लावा ज़्यादा सामने आ जाता है वाटर से पहले, तो आप है ना वहाँ पे एक ब्लॉक लगा के उसको ठीक कर सकते हो। तो मैं इसको माइन करता हूँ देख सकते हो। और अगर आपके पास एफिशिएंसी 4-5 वाली पिकैक्स है ना, तो भाई ये भाई बहुत ही ज़्यादा स्पीड में टूटने वाला है, देख सकते हो ये टूट गया। और ऐसे ही 5 तोड़ सकते हो, अगर आगे भी चला जाएगा ना तो भी कुछ नहीं होगा, देख सकते हो ये लावा आ चुका है ना। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक लगाना है और इसको तोड़ देना वापस से, तो इस तरीके से वापस से ये नॉर्मल हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो अगर लावा अगर आगे आ जाता है तो सिंपली आपको एक ब्लॉक लगाना है और उसको सही कर देना है, और देख सकते हो इस तरीके से। और वैसे भी देख सकते हो ये वापस आ गया ना, तो यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है और इस ब्लॉक को तोड़ देना है, फिर वाटर आके ना उसको ठीक कर देगा। अब है ना यहाँ पे चेक करता हूँ, तो देख सकते हो 3 आ चुका है। तो ये काफ़ी सिंपल स्टार्टर आपका है ना फार्म है कोबलस्टोन के लिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो माइनक्राफ्ट तो ये बहुत ही ज़्यादा एपिक है, इसके ऊपर आप कवर कर सकते हो अगर आपको कवर करना हो तो। मैं और इसके अंदर आ रहा है ना, ओके मेरे इन्वेंट्री में आ रहा है, तभी सोचूं हाँ मैं बहुत ज़्यादा पास हूँ ना, तभी सोचूं कि अंदर बढ़ नहीं रहा है। मेरे इन्वेंट्री में 22 थे और 22 होकर कितने 7 आ गए, और इसमें इतने आए इसमें 4 आए, मतलब टोटल 11 आ गए। तभी सोचूं क्या हो रहा है। अभी ना मैं चेक करता हूँ कि मेरा लावा फार्म कैसा है। इसका तो मैं बहुत यूज़ करके जितना भी कंक्रीट पाउडर है उन सबको है ना पहले कंक्रीट में क्रिएट करूंगा, और नेक्स्ट एपिसोड में हो सके तो कैल्पेक्सी फार्म बनाऊंगा या फिर अपना घर कंप्लीट करूंगा। आप कमेंट में बता देना, जो आप बोलोगे वही होने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो भाई थोड़ा सा अलग होगा, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। और कितने हो गए, ओके काम करता हूँ मैं ना इसमें से लावा निकाल लिया और इसको रख देता हूँ, क्योंकि ना जैसे ही फुल हो जाता है वैसे आपको निकाल लेने का। इससे क्या होता, ओके मैं क्या रख रहा हूँ यार, इससे क्या होता है आपका है ना लावा बढ़ते रहेगा, नहीं तो ये फुल हो जाएगा ना तो इसमें लावा आएगा ही नहीं, इसलिए आपको इस तरीके से निकाल लेना है। तो देख सकते हो 3 मैंने है ना 8 या 9 लावा बकेट यूज़ किया था, और एक और आ गया। और देख सकते हो कितने सारे लावा आपको फ्री में मिले, और ऊपर से ख़त्म ही नहीं होगा ना, तो ये भी हो चुका है। देख सकते हो 4 आ चुके हैं, 8 में से 4 तो वैसे ही वसूल हो गए। अब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड लावा मिलेगा, आप ट्रेड कर सकते हो लावा से, कुछ भी कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा एपिक है। आपको तो पता ही होगा नया फार्म आया है भाई, अब इसमें लावा को आप कलेक्ट भी कर सकते हो जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और कोई विलेजर है, और पता नहीं कौन सा विलेजर बेवकूफ़ इससे मतलब अटैच हो रहा है, इसका काम ले रहा है, ये बेकार का काम क्यों कर रहे हो वो लोग। तो अभी देख सकते हो भाई मेरा घर कब से ऐसा ही है भाई, क्या ही गरीबों का दिन आ चुका है। मैं गरीब हूँ।
चलिए कोई बात नहीं, अब आपको सिर्फ कमेंट में बताना कि मैं ना कैलपैक्सी फार्म बनाऊँ, सुपर कैलपैक्सी फार्म। आपको तो पता है कितना, एक है ना पोटेटो एक्सपी फार्म और कैलपैक्सी फार्म, ये दो है ना बेडरॉक के एकदम एपिक लेवल के एक्सपी फार्म है, जो आपको इतना खतरनाक एक्सपी देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो आप कमेंट में बताना। चलिए फिर आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं माइंड कप के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। Till I get up, time is better.